नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राग विषय, यानी आज की चर्चा हमारी राग पर आधारित है। राग किसे कहते हैं, क्या होता है, ग्रंथकारों ने इसकी क्या परिभाषा दी है, वह इसके लक्षण क्या है, इस विषय पर हम आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं राग। कम से कम 5 व अधिक से अधिक 7 स्वरों की वह सुंदर रचना जो हमारी कानों को अच्छी लगे, मधुर लगे, उसे राग कहा जाता है। अभिनव राग मंजरी में राग की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जनचिता नाम स राग कथितो बुद्धेः। अर्थात स्वर व वर्णों से विभूषित वह सुंदर रचना जो मनुष्य का मनोरंजन करे उसे राग कहते हैं। प्राचीन समय में राग के 10 लक्षणों को स्वीकार किया गया था, जिनके नाम हैं ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, शालत्व, अल्पत्व, बहुत्व, ओडत्व, तार व मंद्र। इनमें से कुछ लक्षण आज भी अपने परिवर्तित रूप में रागों में स्वीकार किए जाते हैं। वर्तमान समय में जिन राग लक्षणों का प्रयोग किया जाता है वे इस प्रकार हैं। राग का प्रथम लक्षण व विशेषता ये है कि राग में रंजकता का होना आवश्यक है। इसकी दूसरी विशेषता है कि इसमें कम से कम 5 व अधिक से अधिक 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे भूपाली 5 स्वरों का राग है, वृंदावनी सारंग 5 स्वरों का राग है। 5 स्वर से कम स्वरों में कोई राग की रचना नहीं होती है। प्रत्येक राग किसी न किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिए। जैसे भूपाली कल्याण थाट से उत्पन्न है, बागेश्वरी काफी थाट से उत्पन्न है। इसी प्रकार हर राग किसी न किसी थाट से आधारित है, उसी के द्वारा वो उत्पन्न हुआ है। किसी भी राग में कभी भी षडज यानी सा स्वर वर्जित नहीं होता। सा सप्तक का आधार स्वर है और वह कभी वर्जित नहीं होता। प्रत्येक राग में मध्यम व पंचम में से किसी एक स्वर का होना आवश्यक है। कोई भी राग ऐसा नहीं है जिसमें मध्यम व पंचम एक साथ वर्जित हों। हाँ, यह संभव है कि पंचम व शुद्ध मध्यम न लग के तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जा रहा है, या केवल पंचम का प्रयोग किया जा रहा है, या केवल शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जा रहा है। परंतु कोई भी राग इस तरीके का नहीं बना जिनमें इन दोनों स्वरों को पूर्णतः वर्जित किया जाए। जैसे भूपाली में मध्यम स्वर नहीं लगता, मालकोंस में पंचम स्वर नहीं लगता, ये चीजें संभव हैं। प्रत्येक राग में आरोह अवरोह, वादी संवादी, जाति थाट, इन सब का होना आवश्यक है। राग में एक ही स्वर के दो रूप एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते। जैसे कोमल ऋषभ व शुद्ध ऋषभ एक साथ नहीं आता, शुद्ध मा या तीव्र मा एक साथ नहीं आता। यह संभव है कि किसी राग के आरोह में शुद्ध स्वर से जाया जाए व अवरोह में कोमल स्वर से जाया जाए। जैसे वृंदावनी सारंग में शुद्ध नी से आरोह में जाते हैं व कोमल नी से अवरोह में हम लौटते हैं। राग जोग में शुद्ध गंधार से हम ऊपर की तरफ जाते हैं व कोमल गंधार से वापस षडज में आते हैं। इस तरीके का प्रयोग तो राग में किया जाता है, परंतु दोनों स्वर को एक के बाद एक नहीं लगाया जाता है। तो ये थे राग के वे लक्षण जो हम आज के समय में प्रयोग करते हैं। आपको अगर राग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप हमसे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।